मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश कोई को नहीं आ रही है भाई। बहुत ही अजीब चीज़ हुई अभी, समझ में नहीं आ रहा है रिलायबल है कि नहीं है। यस इस पे इंग्लिश नो ये है मेरी इजिप्ट सीरीज की थर्ड वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड फेमस इजिप्शियन म्यूजियम, आइकॉनिक तहरीर स्क्वायर, कई सारे लोकल फूड्स एंड ड्रिंक्स, इजिप्ट में नेशनल बेट कैसे बनाई जाती है, नाइट व्यू ऑफ अल म्यूज स्ट्रीट एंड खान अल खलीली बाजार, कायरो की सबसे फेमस नाइट लाइफ स्ट्रीट और कायरो में सबसे सस्ता और अच्छा खाना कहाँ का है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज मेरा तीसरा दिन है कायरो इजिप्ट में। कल मैंने आपको गीजा पिरामिड्स एंड नाइल रिवर फेलुका दिखाया। अभी मैं अपने होटल के बाहर हूँ और आज मैं जा रहा वर्ल्ड फेमस इजिप्शियन म्यूजियम जो एज ऑफ नाउ इजिप्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इजिप्शियन म्यूजियम कायरो के आइकॉनिक तहरीर स्क्वायर पे लोकेटेड है। मैंने ब्रेकफास्ट के लिए अभी ये एग एंड चीज फुटलॉन्ग लिया है विद सैलेड। मेरे को ये मिले सिर्फ 7 इजिप्शियन टाउन में, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज सो चीप इन इजिप्ट। भाई ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं जा रहा हूँ इजिप्शियन म्यूजियम वॉक करते हुए। मेरे होटल से बहुत ही नज़दीक है, जस्ट 1 किलोमीटर बाई वॉक। ये भी जिस रास्ते से गूगल मैप मेरे को लेके जा रहा है, यहाँ पे मेरे पूरी मार्केट ये ऑटोमोबाइल्स की लग रही है और सारे सामान बहुत ही सस्ते हैं, इंडिया से समझ लो आप 1/4 रेट के। पूरी मार्केट ये ऑटोमोबाइल्स की है। मैं इजिप्शियन म्यूजियम के एंट्री गेट पे पहुंच गया हूं और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहां पे। जो एंट्रेंस फीस है वो कुछ ऐसी है सेम एज गीजा पिरामिड्स, 200 इजिप्शियन पाउंड फॉर जनरल एंट्रेंस। अगर आप स्टूडेंट हो तो एंट्रेंस फी हाफ हो जाएगी और 100 पाउंड्स लगेंगे। अगर आपके म्यूजियम में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो उसके चार्जेस अलग से हैं। फोटोग्राफी के 50 पाउंड्स, वीडियोग्राफी के 300 पाउंड्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। टिकट मैंने परचेज कर लिया है अपने पीछे काउंटर से, टिकट मेरे को पड़ा 100 पाउंड का। मैंने उनसे बोला मेरे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, इन्होंने स्टूडेंट आईडी कार्ड चेक भी नहीं किया, सीधे 100 पाउंड वाला टिकट मेरे को दे दिया है। साथ में मेरे को कैमरे के लिए अलग से परचेस करना पड़ गया 50 पाउंड का टिकट। तो ये जो मेरे पीछे जो इजिप्शियन म्यूजियम है ये पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम है, लेकिन इसी साल 2020 में गीज़ा में पिरामिड के पास इससे भी बड़ा म्यूजियम ओपन होने वाला है, उसका नाम है द ग्रैंड कायरो म्यूजियम। मैं अब आ चुका हूँ इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर और अंदर आते ही कई सारे बड़े बड़े इजिप्शियन स्टैचूज हैं। ये म्यूजियम है बहुत ही बड़ा है, आप आराम से इसके अंदर 3-4 घंटे रह सकते हो। पिरामिड कॉम्प्लेक्स में जो स्पिंग्स है उसका एक छोटा सा वर्जन यहाँ भी। भाई म्यूजियम बहुत ही बड़ा है, अब मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर ही 1 घंटे लग गए। इजिप्शियन म्यूजियम के बाहर आते ही आ जाता है तहरीर स्क्वायर, द आइकॉनिक तहरीर स्क्वायर। अब देखो कितना बड़ा ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि तहरीर स्क्वायर वही है जहाँ पे 2011 में इजिप्ट का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। खैर अभी ये बहुत ही बड़ा कुछ यहाँ पे रेनोवेशन टाइप का काम चल रहा है हर जगह, तो हर जगह खुदा हुआ है, कहीं वर्क हो रहा है। आई थिंक उस टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगने लगेगा ये। खैर अब मैं जा रहा हूँ कल के लिए बस से ट्रेन बुक करने, तो कल रात में मैं बस से ट्रेन लूँगा आसवान के लिए, एक दूसरी सिटी है जो एक्सट्रीम साउथ में पड़ती है इजिप्ट के। कायरो में हर कोई रोड ऐसे क्रॉस करता है, बहुत ही अपने आप में ये भी एडवेंचर है रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार वाला व्हीकल वाला रुकता नहीं है पेडेस्ट्रियंस के लिए। ट्रैफिक लाइट्स तो खैर यहाँ पर हैं लेकिन सिर्फ कार्स एंड व्हीकल्स के लिए हैं, परेशंस के लिए नहीं है, तो ऐसे करना ही पड़ता है। पूरे कायरो में बहुत सारी जूस की शॉप्स हैं इस टाइप, आपको दिख जाएंगे जूस फ्रूट्स इस तरह आगे टंगे हुए हैं।
यहाँ पे फ्रूट्स और जूसेस बहुत ही सस्ते हैं, सेम एज इंडिया, कुछ तो उससे भी कम है। यहाँ पर दिखा इतना बड़ा ये मिक्स फ्रूट शेक भी है, जूस भी है, सिर्फ 8 pounds में। थैंक यू, शुक्रान। रामसेस ट्रेन स्टेशन में पहुँच गया हूँ, लिखा भी है स्टेशन एंट्री। देखना ये ट्रेन टिकट बुक कैसे होगा, फॉरनर्स के लिए बुक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या प्राइसेस हैं। ये कैरो का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 11 है। तो अभी किसी से मैंने पूछा तो बोल रहा है 11 से, प्लेटफॉर्म नंबर 11 से टिकट, ट्रेन का टिकट बुक होता है। जाकर पता करता हूँ, वैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश कोई को नहीं आ रही है, लग रहा है ट्रेन से जा नहीं पाऊँगा। सारी ट्रेन अगले 4 दिन के लिए फुल है आसवान के लिए, मतलब एक कैरो से अगर आसवान की ट्रेन बुक करना है तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले बुक करो, नहीं तो फिर नहीं मिलने वाली। सारी ट्रेन फुल है। लास्ट ऑप्शन बस का है, बस का भी कोई आइडिया नहीं कहाँ से मिलेगी क्या मिलेगी, अब उसका पता करना पड़ेगा। भाई बहुत ही अजीब चीज़ हुई, अभी समझ में नहीं आ रहा रिलायबल है कि नहीं है। ट्रेन तो ऑलमोस्ट फुल है अगले आगे 4 से 5 दिन के लिए, और बस का समझ में नहीं आ रहा बस कहाँ से चलेंगी क्या मिलेंगी। कुछ कंपनीज से मेरी बात हुई, अभी कह रहे हैं नहीं जाते हैं आसमान, एक बस जाती है सुपर जेट, उसका ऑफिस पता करना पड़ेगा कहाँ पे है। मैं पता कर ही रहा था तो मेरे को कुछ एक ऑफिस दिखा छोटा सा स्टेशन के अंदर ही, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे नॉर्मल सिविल ड्रेस में थे। तो मैं उनके पास जाके बोला कि सुपर जेट का ऑफिस कहाँ पे है, मेरे को आसमान जाना है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आओ, मैं बोला इंडिया से। इंग्लिश उनको बिल्कुल नहीं आती थी, बस इशारों बात हो रही थी, कुछ वर्ड समझ में आ रहे थे बस। तो बोलने लगे वेरी मच फैन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मतलब कि जो भी मेरे को यहाँ मिल रहा है हर कोई 10 में से 9 लोग, मतलब हर कोई बोल रहा है दे आर फैन ऑफ शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को कल आसवान जाना है, सारी ट्रेन फुल है, मेरे को सुपर जेट का ऑफिस पता करना जहाँ से बस जाती है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ये पुलिस वाले हैं यहाँ पे जो स्टेशन के अंदर रहते हैं, आप कल मेरे पास शाम को 5-6 बजे के बीच में आ जाओ, आपको मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आसवान भेज दूँगा ट्रेन में बैठा के, ट्रेन चाहे फुल हो चाहे ना हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रिलायबल है कि नहीं, मैं बस बुक करूँ कि ना करूँ समझ नहीं आ रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर सुपर जेट के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ तो और लंबी लाइन लगी हुई है, देख सकते हो बहुत ही नज़दीक है ये रेलवे स्टेशन के। सोच रहा हूँ मैं टिकट नहीं लूँ, कल सीधे उनके पास जाता हूँ, उन्होंने मेरे को 5 बजे बुलाया है। फिलहाल अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और सोच रहा फिर से खानल खलीली मार्केट चला जाऊं, फिर देखते हैं खानल खलीली का रात में कैसा व्यू रहता है। ये पूरा प्रोसेस है ऐसा, रास्ते में पड़ गया तो मैंने दिखा दिया, लोग एकदम खुश हो गए मेरे देख के, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रान। शुक्रान। पहुँच गया हूँ मैं अल मुइज स्ट्रीट, जहाँ परसों दिन में आया था, यहाँ से होकर ही अब जाना पड़ेगा खानल खलीली मार्केट। पहुँच गया हूँ मैं खानल खलीली मार्केट। खानल खलीली से निकल के वापस मैं बाहर आ गया हूँ हुसैन स्क्वायर में, हुसैन मैदान भी इसको बोलते हैं। रात में बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही अच्छी जगह हो जाती है, एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। अब मैं चल रहा हूँ वापस अपने होटल, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, जाऊँगा कहीं डिनर करने के लिए। रात के 11 बज चुके हैं,
और मैं जा रहा हूँ डिनर करने जहाँ मैं पिछले दो रास्ते डिनर कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे होटल के नज़दीक एक बहुत ही अच्छी बहुत ही हैपनिंग जगह है। कई सारे वहाँ फूड स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं। हेलो, मैं पहुँच गया हूँ बेक अल अल्फी स्ट्रीट। कई सारे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफे मिलेंगे, आपको हुक्का चाहिए, शीशा चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। بيكلمني قال لي كل راك النصر في حد الدوله تسكت في دبي انا مش بشرح توقع فين البيت ولا يا جماعه حد يوقف السماعه مش عارف ابص في الساعه بيكل الف ستريت مي पिछले दो रास्ते मैं यहाँ शॉप में आ रहा हूँ डिनर करने। शॉप का नाम क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि अरबिक में लिखा हुआ है। Yes. Hey, what looks? You speak English? No. No. You speak Arabic? No Arabic, only English. No. No. अभी मैंने पूछा शॉप ओनर से, शॉप का नाम है कुशारी, एक मिनट, कुशारी सैयद हनाफी, बहुत ही फेमस शॉप है कुशारी के लिए। आपको दिखाता हूँ, मेरे को ये मिला है सिर्फ 8.5 पाउंड्स में। ये कुशारी है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं वेजिटेरियन हैं तब भी आप कुशारी खा सकते हैं क्योंकि ये मिडिल ईस्टर्न डिश है और प्योर वेजिटेरियन है। कुशारी खा के मज़ा जाता है, लाइक आदत ही पड़ गई, 3 दिन से खा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया है। पानी ले लेता हूँ पीने के लिए। हाँ, हाउ मच? फाइव, ओके। 1.5 लीटर वाटर सिर्फ 5 पाउंड्स में। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इजिप्ट में सब जगह पॉलीथीन का यूज़, प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कहीं भी देखोगे रोड पे बहुत ज़्यादा पॉलीथीन यहाँ पड़ी रहती है, बहुत एक्सेस यूज़ है यहाँ पे। अब चल रहा हूँ वापस अपने होटल, सोता हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही, थक गया हूँ। मॉर्निंग मिलता हूँ, कल मेरा फ्री डे है, कोई काम है नहीं, देखता हूँ क्या करना है कल। सोच रहा हूँ हेयर कट करा लूँ, बाकी फिर शाम को निकलना है आसमान के लिए। ओके, आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।